हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे छत्तू के पराठा। इसलिए ये 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा है। गेहूं का आटा में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। सबको पहले मिला के आटा गूंद लेंगे। नॉर्मली आटा गूंद लेंगे, जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं इस तरह आटा गूंद के पहले हम तैयार कर लेंगे। इसको ढक के थोड़ा देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब स्टफिंग बनाएंगे। 1 कप चना सत्तू लिए हैं, 1/4 कप सॉल्ट, 1/4 green chili, अनियन, चिली अपने हिसाब से कम ज़्यादा डालेंगे। इसमें डालेंगे हींग, कोरिएंडर लीव्स। सबको मिला के पहले डो बना लेंगे। जैसे स्टफिंग बनाते हैं ऐसे इसको पहले सबको मिला लेंगे। फिर थोड़ा अजवाइन भी डालेंगे, कैरम सीड, इसको हम क्रश करके लिए हैं। सबको मिला के पहले स्टफिंग बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको स्टफिंग बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस। इसको डालने से इसका टेस्ट आता है। लेमन जूस नहीं डालना चाहते तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आटा का लोई बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। जैसे से गोल राउंड शेप का बना के इसको थोड़ा कटोरी जैसे स्टफिंग भर के बेल के तैयार करेंगे इसको। एक एक करके पराठा को तैयार करेंगे।
सब इस तरह बेल के रेडी कर लेंगे। तवा गरम करेंगे, पराठा को सेक लेंगे। इस तरह सबको बना के तैयार करें। इस तरह सबको बना के तैयार कर लेंगे और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी इसको लिया जाता जा सकता है और बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पराठा बन के तैयार कर लिए हैं। पराठा बन के तैयार कर लिए।